पिथरपुर थाना सेक्टर 3 के अंतर्गत स्थित प्लास्टिक की दानी बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास की फैक्ट्रियों को एहतियातन के तौर पर खाली करवाया गया है, तो वही आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। दूर दूर तक धुएं के गुब्बारे आसमान में देखे गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। करीब 7 दमकल की गाड़ियों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने से कितने का नुकसान हुआ है इसका भी आकलन नहीं लग पाया है। वही कंपनी प्रबंधन मीडिया से बचता नजर आया है। वहीं मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर ब्रह्मानंद चौहान ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई है और करीब 7 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग को किसी तरह काबू पाया गया। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं आग लगने से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी फिलहाल नहीं हो पाया है। फिलहाल आग पूरी तरह कंट्रोल में है, कोई जनहानि नहीं हुई। धार से अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। ये अभी कारण तो कोई मालूम नहीं पड़ा कैसे आग लगी है, पर ये क्या प्लास्टिक के पुरानी पन्नियों का गाना बनता है इसमें। ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है, इसमें दमकल पुलिस को सूचना मिली, सेक्टर 3 को तुरंत आग और यहाँ की व्यवस्था देखी और दमकल फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, आग बुझाई जा रही है। तो वर्तमान अभी फिलहाल में आग काबू में है। कितने गाड़ियाँ यहाँ पर आग बुझाने में लगी हुई? कम से कम 5-7 गाड़ियाँ लगी हुई है। पानी आ रहा है, आप देख ही रहे हैं, ट्रेन अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, आग कैसे लगी कुछ सूचना मिल पा रही? आग की सूचना आई थी जिस पे आए हम लोग, बाकी कैसे लगी उसका कारण अभी जानकारी नहीं। ठीक सर, आपका नाम बताएं? ब्रह्मानंद चौहान, थाना सेक्टर 3। धन्यवाद।